आम दिव्या कथीरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा OCM का चैप्टर नंबर 5 एंड इज दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। क्लियर गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने थर्ड वन फॉर्म देखा था पार्टनरशिप, उसके आज हम लोग अलग अलग टाइप देखने वाले हैं कि अगर हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म के थ्रू जा रहे हैं तो अगर हम लोग किसी पार्टनर को एंटर करते हैं तो वो कैसे टाइप का हो सकता है, यानी कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो फर्स्ट वन पार्टनर देखते हैं हम लोग, एक्टिव पार्टनर। अब नाम के हिसाब से थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही जाएगा कि भाई एक्टिव पार्टनर बोला है यानी कि ये काम कैसा करता होगा, एक्टिवली कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में वो पार्टीशन करता होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव पार्टनर। क्लियर, तो उसमें देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट द पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर एंड टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन एक्टिव पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टीशन करता है उसमें पार्ट लेता है वही पार्टनर क्या कहा जाएगा, एक्टिव पार्टनर। क्लियर, और वो किसके अकॉर्डिंग कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर, दिस पार्टनर रिसीव द प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजमेंट कर रहा है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अलग होंगे, अग्रीमेंट में जैसा डिसाइड किया गया होगा वैसे ही तरीके से उसको प्रॉफिट और लॉस का जितना उसका पोर्शन होगा वैसे उसको मिलेगा। क्लियर, फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म ही इज कॉल्ड एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। अब हमारे बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो एक्टिविटीज में कॉन्स्टेंटली मैनेजमेंट में पार्ट कौन कर रहा है, ये एक्टिव पार्टनर। तो ऐसे एक्टिव पार्टनर को हम लोग बाकी के जो पार्टनर्स है जो एक्टिवली पार्टीशन नहीं करते हैं मैनेजमेंट में, ऐसे पार्टनर्स के लिए हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, उसका एजेंट कह सकते हैं। क्लियर, सेकेंड वन है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। अब नाम के हिसाब से आइडिया आ ही गया होगा, ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा सोता है वो ऐसा पार्टनर मतलब स्लीपिंग पार्टनर कहा जाएगा, ऐसे पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे जो ज़्यादातर मतलब मैनेजमेंट में पार्टीशन नहीं करता होगा। क्लियर, द पर्सन वो बिकम अ पार्टनर एंड बेयर लॉस और प्रॉफिट, यानी कि जो पार्टनर बनता है उसको लॉस और प्रॉफिट बेयर करना है, और फिर बट ही डज नॉट टेक अ एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड देन ही इज अ कोल्ड एंड स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। यानी कि कोई ऐसा बंदा है जो अगर वो बोलता है कि चलो जितना प्रॉफिट होता है मेरे हिस्से का दे देना, लॉस होता है तो भी मैं मेरे हिस्से का बैर कर लूँगा, यानी कि वो प्रॉफिट और लॉस बैर कर रहा है लेकिन मैनेजमेंट में वो पार्टीशन नहीं कर रहा है, इसके हिसाब से हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। क्लियर गाइस, फिर थर्ड वन जो है वो है नॉमिनल पार्टनर, सॉरी यहाँ पे एक लाइन रह गया है, ही इज़ एन इनएक्टिव पार्टनर बट हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, यानी कि वो सिर्फ मैनेजमेंट में पार्टीशन नहीं कर रहा है, बाकी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो अग्रीमेंट के हिसाब से सारे सेम ही है, यानी कि उसको प्रॉफिट भी मिलेगा लॉस भी मिलेगा, प्लस अगर कोई डेथ हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी भी कैसी रहने वाली है, अनलिमिटेड ही रहने वाली है। क्लियर, अगर कोई बंदा कॉन्स्टेंटली और एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्ट ले रहा है, पार्ट कर रहा है, पार्टीशन ले रहा है, तो उस बंदे को हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा फर्स्ट वन है एक्टिव पार्टनर, और जो सेकेंड वन है हमारा स्लीपिंग, यानी कि जो बंदा मैनेजमेंट में पार्टीशन नहीं कर रहा है लेकिन प्रॉफिट और लॉस तो उसको बैर करना ही है, और अगर लायबिलिटी आती है तो भी उसकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लीपिंग पार्टनर। क्लियर गाइस, वन मार्क में आपको ऐसा डिफरेंस एज ए डिफरेंस भी पूछा जाता है कि भाई कौन सा वाला जो पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्टीशन करता है और कौन सा वाला जो पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्टीशन नहीं करता है, तो ये मेनली क्या आएंगे, जो पार्ट करता है वो एक्टिव, नहीं करता है वो स्लीपिंग। क्लियर, थर्ड वन जो हमारा है वो है नॉमिनल पार्टनर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फॉर अ क्विक ग्रोथ ऑफ अ न्यू एस्टैब्लिशिंग फर्म, यानी कि अगर हम लोगों ने हमारा फर्म नया नया शुरू किया है, नया बिजनेस कोई शुरू किया है, उसको बहुत ही मतलब जल्दी से उसको एक्सपांड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एंड टू स्टे अलाइव इन कॉम्पिटिशन, और अगर नया बिजनेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से और जल्दी हम लोगों को डेवलप करना है, एक्सपांड करना है, या तो फिर कॉम्पिटिशन में टिके रहने के हिसाब से कॉम्पिटिशन के साथ कॉप अप करने के लिए, इफ़ अ वेल नोन पर्सन अलाउ हिज नेम टू बी यूज बाय द फर्म, यानी कि अगर नया बिजनेस बहुत ही जल्दी से मतलब एक्सपांड करना है या तो फिर कॉम्पिटिशन में टिके रहना है, तो अगर कोई बहुत ही मतलब जो फेमस पर्सन है वो अपना नाम सिर्फ यूज करने के लिए देता है, तो ऐसे पार्टनर को क्या कहेंगे हम लोग, नॉमिनल पार्टनर। क्लियर, क्विक ग्रोथ ऑफ अ न्यू एस्टैब्लिशिंग फर्म एंड टू स्टे अलाइव इन अ कॉम्पिटिशन, इफ अ वेल नोन पर्सन अलाउ हिज नेम टू बी यूज बाय द फर्म,
देन दैट पर्सन इज कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर. यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग सुनते हैं कि ये कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, या तो फिर ये प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर है, या तो फिर हम लोग ऐसा भी सुनते हैं कि कोई बहुत ही मतलब ज़्यादा वेल नोन पर्सन है जिसका मतलब सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा वैल्यू और रेपुटेशन है, ऐसा बंदे का नाम सुन के अगर लोग आते हैं तो हम लोग ऐसे क्यों रखते हैं? क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये बंदा यहाँ पे पार्टनर है तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा होगा, इसके जो प्रोडक्ट है, इसके जो सर्विसेज है वो बहुत ही अच्छे ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब कोई फेमस पर्सन है या फिर कोई एक्टर एक्ट्रेस है तो उसको हम लोग, या फिर कोई पॉलिटिशियन है या तो फिर कोई सोशल लीडर है, ऐसे बंदे को अगर हम लोग हमारे यहाँ पे एज अ पार्टनर रखेंगे, सिर्फ नॉमिनल पार्टनर, तो उसके हिसाब से क्या जाएगा, मार्केट में और सोसाइटी में जो हमारा रेपुटेशन है वो भी तो इंक्रीज होगा ही होगा. प्लस उन लोगों के नेम की वजह से, उन लोगों की रेपुटेशन की वजह से अगर हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है तो वो कैसा रहेगा, हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहेगा. क्लियर? ज़्यादातर ये एक्टर और एक्ट्रेस को, ज़्यादातर लोग ऐसे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यूज़ करता है, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दैट. क्लियर? लेकिन वहाँ पे वो पार्टनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. लेकिन हम लोग तो क्या करने वाले हैं, ऐसे फेमस पर्सन को, एज ए रेप्यूटेड पर्सन को हम लोग एज अ पार्टनर रखने वाले हैं. क्लियर? तो उसको क्या कहेंगे, नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैपिटल इन द फर्म. वो कोई भी कैपिटल लेके नहीं आएगा, वो सिर्फ अपना जो नाम है, अपना जो रेपुटेशन है वो यूज़ करने के लिए फर्म को देगा. क्लियर? ही ओनली अलाउ हिज नेम टू बी यूज फॉर द फर्म. वो सिर्फ अपना जो नाम है कि हमें सिर्फ इतना बताना है कि ये वाला जो बंदा है या फिर ये वाली जो बंदी है वो हमारे यहाँ पे पार्टनर है, और जिसके वजह से हमें कोई अगर बेनिफिट होता है तो उसके वजह से नॉमिनल पार्टनर को अपॉइंट किया जाता है. क्लियर? गुडविल ऑफ द फर्म इंक्रीज बिकॉज ऑफ नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर का नाम बहुत बड़ा है, फेमस है, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस का गुडविल भी इंक्रीज हो सकता है. यानी कि मार्केट में हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उसके वजह से हमारा जो एडवर्टाइजिंग का मतलब जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, बहुत ही रैपिडली हम लोग कर पाएंगे. क्लियर? फिर है हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. भले ही वो कैपिटल नहीं लाता है, वो सिर्फ अपना नाम यूज़ करने के लिए देता है, लेकिन अगर कोई लॉस होता है और अगर कोई डेप्ट होता है तो उसकी लायबिलिटी भी क्या होगी, एज ए बाकी के जितने सारे पार्टनर्स है उसके हिसाब से अनलिमिटेड ही होगी, उनके जैसी ही. क्लियर? यानी कि जो बंदा, हम लोग ऐसे नॉमिनल पार्टनर को क्यों रखते हैं, ऐसा वन मार्क में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई नॉमिनल पार्टनर इज अपॉइंटेड. क्लियर? तो अगर हमारा नया बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ है जिसको हम लोगों को बहुत ही एक्सपांड करना है, डेवलप करना है, या तो फिर हमें कॉम्पिटिशन में टिके रहना है, तो उसकी वजह से जो फेमस बंदा है वो अपना सिर्फ नाम यूज़ करने के लिए देता है, तो ऐसे बंदे को क्या कहेंगे, नॉमिनल. क्लियर? वो कैपिटल नहीं लाएगा, वो सिर्फ अपना नाम यूज़ करने के लिए देगा, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी है वो बाकी के पार्टनर की तरह ही कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी. क्लियर? नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. जैसे नाम है वैसे ही हम लोगों ने पता कर लिया कि जो प्रॉफिट होगा हमारा सिर्फ उसी में ही उसका पार्टीशन होगा, लेकिन कैसे बंदे को हम लोग ऐसा पार्टनर अपॉइंट कर सकते हैं? क्लियर? क्योंकि सारे बंदे ऐसे पार्टनर ही अपॉइंट होना चाहेंगे कि मेरा जो चलो सिर्फ प्रॉफिट होता है तो मेरा पार्टीशन, लॉस होता है तो मेरा पार्टीशन नहीं होगा. क्लियर? तो इसमें देखते हैं, इफ अ पर्सन इज अ मेड अ पार्टनर इन द फर्म टू टेक एडवांटेजेस ऑफ हिज स्पेशल स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. यानी कि अगर हम हमारे बिजनेस के लिए, हमारे फर्म के लिए कोई ऐसे बंदे को रखते हैं जिसका नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा हमें उठाना है, यानी कि हमें हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए उस बंदे की ज़रूरत है, उसके नॉलेज की ज़रूरत है, तो अगर ऐसे पार्टनर को हम लोग हमारे यहाँ पे अपॉइंट करते हैं एज अ पार्टनर, तो वो क्या बन जाएगा, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. क्लियर? एडवांटेजेस ऑफ इज अ स्पेशल स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, देन सच पर्सन इज कॉल्ड द पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. तो ऐसे बंदे को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट का सिर्फ पार्टनर कहेंगे, यानी कि अगर प्रॉफिट होता है तो उसको उसमें से हिस्सा मिलेगा, उसको लॉस बायर नहीं करना पड़ेगा. क्लियर? लेकिन ये सिर्फ हम लोग कैसे बंदे को अपॉइंट करते हैं, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज है और वो नॉलेज हमारे बिजनेस के लिए काम का है तो. क्लियर? दिस पार्टनर में और मे नॉट ब्रिंग द कैपिटल. अब ऐसा पार्टनर अगर वो चाहता है तो कैपिटल ला सकता है, नहीं चाहता है तो नहीं ला सकता है, उसके लिए कंपलसरी नहीं है. एंड ही हैज़ नॉट टू शेयर टू लॉस ऑफ फर्म. वो लॉस में कोई भी पार्टीशन नहीं करेगा. अगर आपका डेप्थ होता है तो आपको खुद पेमेंट करना पड़ेगा बाकी के पार्टनर्स को मिलके, लेकिन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली सिर्फ वो प्रॉफिट में ही शेयर करेगा, उसका पार्टीशन लेगा, वो लॉस में कोई भी हिस्सा नहीं लेगा. क्लियर? फिर नेक्स्ट वन जो हमारा है वो पार्टनर्स बाय एन एस्टोपल और होल्डिंग आउट. अब यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. द पर्सन वो हैज नॉट साइन द पार्टनरशिप डीड. यानी कि कोई एक ऐसा बंदा है, हम लोग सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं एक बंदे का. क्लियर? ऐसे पार्टनर्स ज़्यादा भी हो सकता है.
कोई एक ऐसा बंदा है जिसने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं किया है, यानी कि उसने अग्रीमेंट नहीं किया है, अगर अग्रीमेंट नहीं होता है तो वो तो हमारा पार्टनर होगा ही नहीं, क्लियर। ही डज नॉट ब्रिंग कैपिटल, वो कैपिटल भी लेके नहीं आएगा, पार्टनरशिप डीड भी साइन नहीं किया है, कैपिटल भी लेके नहीं आएगा। ही डज नॉट शेयर द प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट में भी हिस्सा नहीं मिलेगा, यानी कि हम लोगों ने ऐसा सुना है कि भाई चलो लॉस में लोगों हिस्सा नहीं लेते, ये तो प्रॉफिट में भी हिस्सा नहीं लेगा, क्लियर। वो अग्रीमेंट साइन नहीं करेगा, डीड साइन नहीं करेगा, सेकेंड वन कैपिटल भी नहीं लेके आएगा, फिर प्रॉफिट में भी उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिहेवियर, यहाँ पे खास नोट करना है ये फोर्थ वन पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिहेवियर व्हेन अ थर्ड पार्टी अज्यूम हिम एज अ पार्टनर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई ऐसा बंदा है कि जो हमारा पार्टनर नहीं है, हमें भी पता है और उसको भी पता है, और वो अगर हमारे बिजनेस के ऊपर आके बैठता है, व्हाटएवर जो भी हमारी ऑफिसेज हैं वहाँ पे आके मतलब हमसे मिलता जुलता है, व्हाटएवर जो भी करता है, लेकिन उसके बिहेवियर के ऊपर से अगर कोई थर्ड पार्टी हमारे यहाँ पे आती है और वो थर्ड पार्टी को वो ऐसा प्रिवेंट करता है कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, यानी कि उसके बिहेवियर के ऊपर से अगर सामने वाली जो थर्ड पार्टी है, जो अननोन पर्सन है, जो हम लोगों को पहले से नहीं जानते हैं, अगर ऐसी थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये वाला बंदा इस बिजनेस का पार्टनर है, कैसे लगेगा उसके बिहेवियर के ऊपर से, यानी कि ऐसे बंदे ने ऐसा ट्राई करने की कोशिश की है कि वो बता रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, ऐसा वो अज्यूम करवाना चाहता है, और सामने वाला बंदा ऐसा मान लेता है कि ये वाला जो बंदा है उसके बिहेवियर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर होगा, क्लियर, और देन ही इज कॉल्ड द पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। वो बंदा डीड भी साइन नहीं करता है, कैपिटल भी नहीं लेके आएगा, उसको प्रॉफिट में भी हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बिहेवियर के हिसाब से वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे कि वो पार्टनर हो, और थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो सामने वाला बंदा पार्टनर है, तो ऐसे बंदे को हम लोग क्या कहेंगे, बाय होल्डिंग आउट और एस्टोपल पार्टनर्स। अब यहाँ पे और खास नोट करना है, ट्विस्ट क्या है, ही कैन नॉट टेक पार्ट इन अ मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट, उसको मैनेजमेंट में कोई पार्टीशन नहीं मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके बिहेवियर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर होगा, क्लियर। एज थर्ड पार्टी, यहाँ पे भी खास नोट करना, एज थर्ड पार्टी डज बिजनेस विद द फर्म, अब ऐसे पार्टनर की वजह से, एस्टोपल की वजह से उसके बिहेवियर के हिसाब से ऐसा लगा कि ये पार्टनर है, लेकिन हकीकत में वो पार्टनर नहीं है, देन आफ्टर थर्ड पार्टी को ऐसा लगा, उसको पता नहीं था कि ये पार्टनर है, और उसने हमारे फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बिजनेस किया, और देन आफ्टर अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है और कोई लायबिलिटी होती है, तो उसके हिसाब से वो अग्रीमेंट के लिए उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, एज अ थर्ड पार्टी डज द बिजनेस विद द फर्म, आफ्टर टेकिंग हिज क्रेडिट हिज लायबिलिटी बिकम्स अनलिमिटेड, यानी कि वो ऐसा जो बंदा था एस्टोपल, जिसके बिहेवियर के हिसाब से वो लग रहा था कि वो पार्टनर है, और फिर थर्ड पार्टी ने उसके साथ अग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बिजनेस साइन कर लिया, तो वो अग्रीमेंट के लिए, वो बिजनेस के लिए जो वो थर्ड पार्टी बिहेव जो वो पार्टनर बिहेव कर रहा था ना कि मैं पार्टनर हूँ, ऐसा वो मतलब अपना बिहेवियर रख रहा था, तो वो बंदे का लायबिलिटी कैसा हो जाएगा, अनलिमिटेड। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग चार पार्टनर है और हम लोग दोस्त पांच है, लेकिन एक जो बंदा है वो हमारे साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता था और वो मतलब अपना अलग ही बिजनेस चला रहा था, तो बाकी के जो चार है उन लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। अब ये जो पांचवा बंदा है, ये एग्जांपल ले रहे हैं, हाँ हम लोग, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब ये जो पांचवा बंदा है ना, वो क्या करता है, वो फ्रेंड तो है ही, भले ही बिजनेस नहीं कर रहा है, तो वो हर सैटरडे संडे ऐसे आके हमारे यहाँ पे ऑफिस पे बैठता है, पांचों दोस्त मिलके मतलब टाइम पास करते हैं, बातें करते हैं, ऐसा जो भी करता है। अब ऐसे ही दौरान एक टाइम ये बैठा था जो पांचवा बंदा, जो पार्टनर नहीं था हकीकत में, क्लियर, लेकिन थर्ड पार्टी आई, यानी कि कोई ऐसा बंदा था, कोई कस्टमर आया जो बिजनेस शुरू करना चाहता था, या फिर कोई अग्रीमेंट व्हाटएवर जो भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था, उसको ऐसा लगा कि ये जो फिफ्थ वन वाला बंदा है ना, वो ये बिजनेस का पार्टनर है, और ये फिफ्थ वाले बंदे को, वो थर्ड पार्टी को कैसे लगा कि ये वाला पार्टनर है, ये फिफ्थ वाला जो बंदा था ना, उसने ऐसा बिहेव किया कि भाई चलो आओ बैठो मैं पार्टनर हूँ व्हाटएवर, उसकी बातों से ऐसा लगा, उसने ऐसा जताया कि वो पार्टनर है, और थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि ये पार्टनर है, और थर्ड पार्टी ने अग्रीमेंट कर लिया, तो ये जो फिफ्थ वन वाला बंदा है उसका लायबिलिटी कैसा हो जाएगा, अनलिमिटेड। भले ही वो मैनेजमेंट में पार्टीशन नहीं कर रहा है, भले ही उसको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन लायबिलिटी उसको मिलेगी, क्लियर गाइस। और फिर नेक्स्ट वन और लास्ट वन जो हमारा है वो है माइनॉर पार्टनर्स, यानी कि नेम के हिसाब से थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है कि माइनॉर जो बंदे हैं वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप लीगली वो साइन नहीं कर सकते, क्लियर।
इफ एनी पर्सन इज नॉट एडल्ट, यानी कि जो 18 बिलो है, 18 अबो बंदे क्या कहे जाएंगे, एडल्ट। अगर कोई बंदा एडल्ट नहीं है यानी कि 18 बिलो है, देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट ही कैन नॉट बिकम पार्टनर। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो जो बिलो 18 वाले बंदे हैं वो पार्टनर नहीं बन सकते। क्लियर गाइज? तो ये हो गए हमारे 6 के 6 पार्टनर्स के टाइप। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड यस, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाय गाइज़।